हेलो एंड वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानोगे ट्रूलेंसर में बिड क्या होता है और ट्रूलेंसर में डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है। मुझे रिपीटेड कमेंट आ रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट ट्रूलेंसर में क्या है और ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये हमें पे करना होगा या क्लाइंट हमें पे करेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो है। वीडियो को देखते रहिए, आज आपको पूरा पता चल जाएगा और आपके जितने भी कॉन्फ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएंगे। ट्रूलेंसर में जब भी आप प्रपोजल भेजते हो अपने क्लाइंट को, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको बिड अमाउंट सबमिट करना होता है और जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सबमिट करना होता है। यहाँ पे बिड अमाउंट क्या है ये बता देता हूं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है 1000 रुपया का, क्लाइंट आपको 1000 रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए देना चाहता है। अभी बिड तो बहुत फ्रीलांसर सबमिट करेंगे, जिसका बिड सबसे कम होगा और जिसके अकाउंट पे रेटिंग्स होंगे, जिसका एक्सपीरियंस होगा, उसी को क्लाइंट हायर करेगा, यही प्रिंसिपल है। अभी अगर आप 1000 रुपये के प्रोजेक्ट में आप 500 का, 600 का, 700 का बिड सबमिट करते हो, तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि काम आपको मिल जाए। बिड यानी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप टोटल कितना पैसा क्लाइंट से लोगे। बिड क्या है आपको पता चल गया, अभी सुन लीजिए डिपॉजिट अमाउंट क्या है। डिपॉजिट अमाउंट यानी क्लाइंट जब आपको हायर कर रहा होगा तब उसको कितना पे करना पड़ेगा जो ट्रूलेंसर के अकाउंट में, लॉकर अकाउंट में सेव रहेगा, इससे कि आपका सिक्योरिटी बना रहेगा। मान बहुत सारे खराब क्लाइंट होते हैं जो काम आपसे करवा लेते हैं और फिर पैसा आपको नहीं देना चाहता है, तो इसके लिए सभी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में इंक्लूडिंग ट्रूलेंसर एक सिस्टम किया है कि जहां पे क्लाइंट जब आपको हायर कर रहा होता है तब क्लाइंट को कुछ पैसा पे करना होता है जो सिक्योरिटी के हिसाब से ट्रूलेंसर के पास रखा हुआ होता है। जब भी आप उस काम को कंप्लीट कर देते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको आप अपने बैंक में विथड्रॉ कर सको। यानी जब क्लाइंट आपको हायर कर रहा होता है, जब आपने काम को अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तब पैसा क्लाइंट को पे करना पड़ता है जो ट्रूलेंसर के एडमिन के पास रखा हुआ होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्लाइंट आपके साथ चीट करने का कोशिश करे, तो आप ट्रूलेंसर के एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो और पूरी चीज को खुल के उनको बता सकते हो। अगर आप फेयर हो गए, अगर आपका कोई गलती नहीं होगा, तो एडमिन पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देगा। अभी मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10,000 का एक प्रोजेक्ट है, तो 10,000 का प्रोजेक्ट में क्लाइंट जो है वो तो 10,000 ही आपको पे नहीं करेगा। जो 10,000 का प्रोजेक्ट होगा वो एक दिन में भी नहीं कंप्लीट कर सकते आप, उसको करने में हो सकता है 3-4 दिन या फिर 7 दिन तक लग जाए। अभी उस दौरान आपको क्या करना होगा, उस दौरान अगर आप बिड भी मान लीजिए 8,000 रुपया का आपने बिड प्लेस किया है और डिपॉजिट अमाउंट में भी 8,000 डाल दिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो क्लाइंट होगा वो आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइंट नहीं जानता आप इस काम को किस तरीके से करोगे। लॉन्ग टर्म का काम है, क्लाइंट को नहीं पता है कि आप इसको कैसे करोगे, तो वो आपका प्रोग्रेस चेक करता रहेगा। इसी वजह से ट्रूलेंसर में एक ऑप्शन है जहां पे आप प्रोजेक्ट को कितना परसेंट तक आपने कंप्लीट किया है वो आप क्लाइंट को अपडेट कर सकते हो। इसके बारे में आपको बेहतर पता चलेगा ट्रूलेंसर में, जो मैंने लाइव प्रोजेक्ट करके एक दिखाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वाला वीडियो है, आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको एक बार आप चेक कर लेना। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को जो प्रोग्रेस है वो जब क्लाइंट को आप अपडेट करोगे, उसी दौरान आप मोर डिपॉजिट का रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेज सकते हो। यानी मान लीजिए 10,000 का एग्जाम्पल ही लेता है, किसी एक प्रोजेक्ट में 10,000 क्लाइंट आपको पे करना चाहता है, उसमें आपने बिड सबमिट किया है 8,000 रुपया का, काम आपको मिल गया है, डिपॉजिट अमाउंट में आपने डाला था 3,000 रुपया। अभी जब भी क्लाइंट आपको हायर करेगा तो क्लाइंट को इनिशियली पे करना होगा आपको हायर करते वक्त 3,000 रुपया जो ट्रूलेंसर के एडमिन के पास रखा हुआ होगा। जब भी आप उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो 3,000 रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप क्या करोगे, मान लीजिए वो काम 30% या फिर 40% आपने कंप्लीट कर लिया है, काम को करने में 7 दिन लगेंगे, आपने 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद 40% तक उसको कंप्लीट करके क्लाइंट को अपडेट रिपोर्ट दे दिया है, उसका जो स्क्रीनशॉट है या अलग अलग काम के टाइप अलग अलग होता है वो क्लाइंट को आपने अपडेट किया है। अगर आप किसी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो ये तो ऑनलाइन होता है, डेटा एंट्री का काम भी ऑनलाइन होता है, तो ये क्लाइंट को पता चल जाएगा, आप वहां पे अपडेट करोगे और वहां पे ही एक ऑप्शन रहता है कि डिपॉजिट मोर,
तो वहां से क्लाइंट को आप फिर से बोल सकते हो और 2000 रुपया आप डिपॉजिट कर दो। तो 3000 पहले ही उसने आपको हायर करते वक्त डिपॉजिट किया था, फिर से वो 2000 डिपॉजिट करेगा। तो ट्रूलेंसर के एडमिन के पास अभी क्या कितना पैसा है, 5000 रुपया। 3000 आपको हायर करते वक्त दिया था और फिर से आपने रिक्वेस्ट किया तो अभी 5000 रुपया है। इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट को 60% कंप्लीट करोगे फिर से आप उसको डिपॉजिट का रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फिर से वो 2000 डिपॉजिट करेगा। इसी तरीके से जब मान लीजिए आप प्रोजेक्ट को 80% कर चुके हो तब आप क्लाइंट से फुल डिपॉजिट अमाउंट का रिक्वेस्ट कर सकते हो, यानी लास्ट में जो 2000-1000 बचा रहेगा उसका भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्लाइंट वो दे देगा हंसी खुशी और वो ट्रूलेंसर के एडमिन के पास रखा हुआ होगा। जैसे ही वो लास्ट 20% या 30% काम आप कंप्लीट कर देते हो वैसे ही क्लाइंट आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर देगा और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। बट ये जो डिपॉजिट अमाउंट का फंडा है ये शॉर्ट टाइम के प्रोजेक्ट में या फिर जो मान लीजिए 1000-2000 का प्रोजेक्ट है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ट्रूलेंसर में कुछ प्रोजेक्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 1,00,000 रुपया तक का होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप का, या फिर कुछ वेबसाइट भी ऐसे होते हैं। तो उस दौरान आप इस डिपॉजिट अमाउंट के फील्ड को ध्यान से सबमिट कीजिए। अगर आपको एक लाख के रुपये का जो प्रोजेक्ट है उस पर अगर आपको बिड सबमिट करना पड़े, आप 60,000-80,000 का बिड सबमिट करते हो तो उस दौरान आपको डिपॉजिट अमाउंट 10,000 या फिर 15,000 के आसपास रखना होगा, तभी क्लाइंट आपको हायर करेगा। क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के लिए और इतना ज्यादा पैसा जब हो जाता है तो क्लाइंट पूरा पैसा आपको हायर करते वक्त नहीं देगा, ये आपको याद रखना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू।